First of all, good morning to all of you. Today we are going to be started class 9th NCERT book number 1st and book's name is Beehive. And Beehive's first chapter is, the topic is the fun they had. And today we are going to be discussed on this topic. First of all, आई वॉन्ट टू टेल यू, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, उस चैप्टर का जो टाइटल होता है उसको अच्छे तरीके से हमें क्लियरली समझ लेना चाहिए और उस टाइटल के बेस के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को, जिसका कि टाइटल है द फन द हेड, इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि द, आपको मैंने बताया हुआ है पहले, कोई स्पेशल चीज़ होती है या पार्टिकुलर होती है उससे पहले हम यूज़ करते हैं द एज ए डिटरमिनर या आर्टिकल। दूसरा है वर्ड है हमारे पास फन, फन का मतलब होता है एन्जॉय, ठीक है, मज़ा करना, मस्ती करना, एन्जॉय करना। द यानी वे, द यानी वे, द क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन है और इसका मतलब दे, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल है ये, प्लूरल प्रोनाउन है और हैड एक वर्ब है, ठीक है। तो यानी वे, उनके पास मस्ती या एन्जॉयमेंट। अब किन के पास, अब वे कौन है, वे में दो बच्चे हैं जो कि इस चैप्टर में हैं, कौन कौन है, मैगी एंड टॉमी, मैरी मैगी एंड टॉमी नाम के दो बच्चे हैं जो कि यहाँ दे से मतलब है वे दोनों, उन दोनों ने एन्जॉय किया, मस्ती की, फन किया, कैसे किया, वो सारा इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। दूसरा, मैंने कुछ, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है बनाने की, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर में टॉपिक क्या था उनके एन्जॉयमेंट का, फन का, कि फ्यूचर में हमारे जो स्कूल्स हैं वो कैसे होंगे, आने वाले समय में स्कूल कैसे होंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उन वो टॉपिक उनके लिए क्या था, फन का टॉपिक था। यानी वो कंपेरिजन करते हैं, यानी इतने साल बाद फ्यूचर टाइम में, आने वाले फ्यूचर टाइम में वो कैसा पढ़ेंगे उसके बारे में, और कैसा वो पुराने समय में पढ़ रहे थे बुक्स से, जैसे टीचर्स उन्हें क्लास में पढ़ा रहे थे, ह्यूमन बींग्स पढ़ा रहे थे, उन दोनों का वो कंपैरिजन करते हैं कि कितना एंजॉय वो लोग करते होंगे जो कि ह्यूमन बींग्स वाले टीचर उन्हें पढ़ाते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है रोबोटिक टीचर्स, यानी फ्यूचर में कौन से टीचर पढ़ाएंगे स्कूल्स में, रोबोटिक टीचर्स, रोबोट वाले टीचर्स होंगे। दूसरा मैंने लिखा है लर्निंग कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर सिखाया जाएगा, कंप्यूटर के माध्यम से स्क्रीन पर बैठकर वो पढ़ेंगे, जो कि फ्यूचर के स्कूल्स होंगे, उन स्कूल्स में बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, कैसे पढ़ेंगे, लर्निंग यानी ये यहाँ पे कंप्यूटर्स की हेल्प से पढ़ेंगे। दूसरा मैंने लिखा है थर्ड, मूविंग ई टेक्स्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्स्ट है या एजुकेशनल जो टेक्स्ट है, एजुकेशन से संबंधित जो टेक्स्ट है या जो रिलेटेड जो मैटर है वो उनकी स्क्रीन पर होगा और वो मूविंग करता रहेगा। जब वो एक टॉपिक को सर्च करेंगे, जैसे गूगल पे आप सर्च करते हो तो सर्च करते ही एक ही टॉपिक पे पता नहीं कितने वीडियोज आ जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हो कितने वीडियोज आ जाते हैं, यानी मूविंग एजुकेशन टेक्स्ट उन्हें मिल जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा है विजुअल क्लासरूम, यानी जैसे जूम ऐप पे आप पढ़ते हो, विजुअल क्लासरूम में टीचर क्लास में खड़ा है और वो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, वो सारा। और उनमें क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा कि विजुअल स्क्रीन के ऊपर ही वो सारा क्लासरूम देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ रोबोटिक टीचर्स होंगे, स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ पढ़ाया जाएगा और क्लासरूम भी उनका विजुअल ही हो जाएगा। ये सारा ये कौन से स्कूलों में होगा, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर में होगा। तो ये जो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर वाले जो बच्चे हैं, कौन कौन है इसमें, मैगी मैगी और टॉमी, ये दोनों जो है वो मतलब कैसे एंजॉय करते हैं इस चीज़ को लेकर, यानी पुराने समय में जो ह्यूमन बींग्स पढ़ाते थे इस समय इससे कंपैरिजन किया गया है, जो ये रेसेंट टाइम है इससे इसको कंपैरिजन किया गया है। तो देखिए कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हम। द फन द हेड, मस्ती मौज मस्ती जो कि उन्होंने की, कैसे की देखिए, द स्टोरी वी शैल रीड इट इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं वो फर्स्ट स्टोरी है, वो फ्यूचर में सेट की गई होगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, और जिन बुक्स व स्कूल्स को हम एग्जिस्ट हैं हमारे पास, जानते हैं हम जिनको, शायद वो फ्यूचर में नहीं रहेंगी, यानी बुक्स भी नहीं रहेंगी ऐसी जो हम पढ़ते हैं वो, और क्या नहीं रहेगा, ऐसे स्कूल्स भी नहीं रहेंगे,
यानी उनका जो घर का रूम होगा, उनका जो घर होगा, हाउस होगा, वही क्या होगा, स्कूल रूम होगा, क्योंकि एक पूरा सिस्टम सेटअप वहाँ रखा जाएगा और उसी पे वो पढ़ेंगे, वही उनके लिए क्लासरूम होगा और उसी पे वो सब कुछ लाइव देखेंगे। तो वो सारा शायद नहीं होगा। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, बच्चे तब कैसे पढ़ेंगे जब बुक्स भी नहीं होंगे, स्कूल्स भी नहीं होंगे। दैट डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया, ये जो डायग्राम बताया कि स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में स्कूल्स ऐसे होंगे, ये शायद आपको कुछ आइडिया देगा कि फ्यूचर में स्कूल कैसे होंगे, बुक्स कैसे होंगे। इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुडंट लाइक टू चेंज। तो राइटर आपको कहता है कि तीन ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिन्हें कि तुम स्कूल के बारे में बताओ, तीन ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, और तीन ऐसी चीज़ों के नाम बताओ स्कूल के बारे में जिसे कि आप चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, उन्हें लिखो, यानी आपके आइडियाज़ वो जानना चाहता है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन, राइटर आपसे कहता है क्या कभी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स को पढ़ा है, पढ़ते हैं ठीक है। कैन यू इमेजिन ए टाइम वेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, क्या आप एक ऐसे टाइम का इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं जिसमें पूरा टाइम क्या हो, बुक्स कंप्यूटर्स पर रहे, यानी कंप्यूटर स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर सिर्फ बुक्स ही रहे, वही आपके स्कूल हो, वही आपके टीचर्स हो और वही आपकी बुक्स हो। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी पेपर पे लिखी हुई, जैसे पेपर पे आजकल हम पढ़ते हैं सब कुछ प्रिंट है, लिखा हुआ है, ऐसी बुक्स नहीं हो तो क्या होगा, क्या आपने कभी इमेजिन किया है। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या ऐसी बुक्स आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं जो पेपर पे लिखी होती हैं या सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलती रहती हैं, वो बुक्स ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए इस स्टोरी को डिस्कस करते हैं हम। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा उस रात, किस रात, ऑन द पेज, पेज नंबर पर, सबसे पहले का जो पेज नंबर था उस पर, पेज नंबर के ऊपर की तरफ लिखा, जो कि कब लिखा गया, 17 मई 2157, यानी कब लिखा उसने, यानी ये जो बुक है ऐसी सिचुएशन कब होगी, 17 मई 2157 ईयर्स जो होगा, यानी ये जो साल होगा उस साल में ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे, ऐसे स्कूल्स आ जाएंगे ठीक है, यानी 17 मई 2157 को जो सेशन आएगा वो शायद ऐसा ही आएगा। सी रेट रोट, उसने लिखा, मार्गी ने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी इस साल को, यानी फ्यूचर के इस टाइम में टॉमी को क्या मिली, एक रियल बुक मिली, टॉमी को एक बुक मिली, किसे मिली, टॉमी को एक बुक मिलती है ठीक है। आप देखिए डिफरेंस बता देती हूँ, मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है और टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है, ये भी ध्यान रखें, और दोनों स्टूडेंट्स हैं, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं ठीक है। तो देखिए ये जो है टाइम याद कर लेना, 17 मई 2157 ईयर में टॉमी को क्या मिलती है, एक रियल बुक मिलती है, एक बुक मिलती है ठीक है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, वह बुक बहुत पुरानी थी, यानी पेपर वाली बुक थी, पुरानी थी मतलब पेपर वाली बुक थी। मार्गीज ग्रैंड फादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंड फादर ने एक बार कहा था, मार्गी के दादाजी ने एक बार उससे कहा था, दैट वेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, यानी जब वो बहुत छोटे थे, यानी मार्गी के जो दादाजी थे, ग्रैंड फादर थे, वो जब बहुत छोटे थे, हिज ग्रैंड फादर, मार्गी के दादाजी के जो दादाजी थे, उन्होंने उन्हें बताया था, दैट देयर वॉज ए टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरियाँ जो थी वो पेपर पे लिखी जाती थी, प्रिंट की जाती थी, यानी पेपर चलता था, प्रचलन में था, लेकिन आजकल नहीं होगा। कौन से टाइम में नहीं होगा, इस समय में जो टाइम बताया, फ्यूचर टाइम में नहीं होगा, किस पे होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा। द टर्न द पेजेस, टॉमी ने और मैरी ने क्या किए, पेजेस को टर्न किए, विच वर येल्लो, और वो पेजेस कैसे हो गए थे, येल्लो हो गए थे, काफ़ी पुराने थे, येल्लो हो चुके थे, एंड क्रिंकी, और थोड़े मतलब फटे पुराने से हो गए थे, यानी बहुत सारी कुछ लाइनें, कुछ फोल्ड्स उन पे बन गए थे। एंड इट वॉज एवफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। अब देखिए वो उनके लिए काफ़ी फनी था,
फुल तरीके से, डरावने तरीके से, यानी वो बुक इतनी पुरानी थी पेपर वाली बुक कि वो उसके जब येलो कलर की हो चुके थे उसके पेजेस, जब वो उस पेजेस को टर्न कर रहे थे तो उन्हें वो फ्राइटेंड फुल यानी थोड़ा डर गए थे, और फनी उन्हें मजाक लग रहा था कि ऐसे भी कोई बुक होती है और इस पर क्या लिखा हुआ है, ये तो मतलब इस पर परमानेंट है, इस पेज पर जो लिखा हुआ है वर्ड्स परमानेंट है, जबकि हम स्क्रीन पर पढ़ते हैं वो क्या होता है मूविंग होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं मूविंग होते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन ये तो पेजेस पे क्या है परमानेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वो तो स्टिल है, बिल्कुल साइलेंट है, वहीं लिखे हुए हैं, वहीं के वहीं हैं, जबकि कोई मूविंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्क्रीन पे जैसे कि मूविंग करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे वर्ड्स हमें पता है मूविंग करते हैं, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एंड देन व्हेन द टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और यदि वो पहले वाला पेज निकाले तो उन्हें इस तरीके से टर्न करना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्लिक करना पड़ता है और सब आ जाता है। इट वॉज द सेम वर्ड्स ओन इट दैट इट हैड हैड व्हेन द रीड इट द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार जब हम उन वर्ड्स को पढ़ते हैं पेजेस पेपर पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो सेम वैसे ही रहते हैं, कभी उनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे कितने टाइम बाद उन्हें पढ़े, लेकिन स्क्रीन वाले पे जरूर चेंज आ सकता है, नए नए वीडियो, नए नए वर्ड्स, नए नए टॉपिक्स हमें देखने को मिल जाता है, जैसा कि हम सर्च करते हैं। ही सैड टमी कहता है, टॉमी कहता है उससे, अरे सरप्राइज के साथ, ही यानी सरप्राइज को शो करना, आश्चर्य के साथ टॉमी कहता है, व्हाट ए वेस्ट, देखो कितनी बेकार बुक है ये पेपर वाली बुक, देखो कितनी बेकार है, वेस्ट है, व्हेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम इस बुक को फेंक दो, बस इसे फेंक दो, टॉमी उसे ये कहता है, आई गेस, मैं सपोज कर सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारी टेलीविजन की या कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर मिलियन बुक्स होती हैं, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती हैं, आई वुडेंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी, मैरी ये कहती है मैं नहीं फेंकूंगी, टॉमी को वो वेस्ट लगती है, वो उसे फेंकना चाहता है। सेम विद माइंड सैड मार्गी, मार्गी भी कहती है सेम ऐसा ही मेरा विचार है, सी वॉज 11, वह मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उतनी टेली बुक्स के बारे में नहीं जानती जितना कि मैंने टॉमी जानता है, ही वॉज 13, टॉमी जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है। सी सैड वह कहता है, वेयर डिड यू फाइंड इट, मारी जो है मैरी जो है वो उससे पूछती है, तुम्हें ये कहाँ मिली, इन माई हाउस, वो कहता है उससे, टॉमी कहता है मेरे घर में, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, और वो मतलब बिना देखे हुए इशारा करता है, पॉइंट करता है, पॉइंटेड करता है, इशारा करता है, और क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था कंप्यूटर स्क्रीन पे, इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जो कि रूफ के नीचे होता है और एक स्टोर रूम की तरह जिन्हें हम यूज करते हैं, तो एटिक यानी स्टोर रूम में मिली थी मेरे घर के। What is it about? ये किसके बारे में है, तो वो कहता है स्कूल के बारे में, स्कूल की बुक है शायद कोई। मारी वॉज स्कॉर्नफुल, मारनी जो है वो थोड़ा मतलब हेट करती है थोड़ा, अरे स्कूल इस तरीके से, मारी जो है वो हेट करती है थोड़ा स्कूल के बारे में इस बुक में, क्यों, क्योंकि स्कॉर्नफुल यानी थोड़ी घृणा करते हुए, हेट करते हुए, स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी, स्कूल से तो मैं घृणा करती हूँ, हेट करती हूँ, मारी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मारी हमेशा से स्कूल से घृणा करती आई है, हेट करती आई है, बट नाउ सी हेटेड इन मोर देन यूर, लेकिन अब उसकी जो ये हेट है, घृणा है, वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि वो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो उनका मैकेनिकल टीचर आता है वो क्या करता है कि उन्हें जियोग्राफी में, मैरी को जियोग्राफी में टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा था, एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जो इसी का, और वो अपना जो रिजल्ट है, मारी जो है वो बुरा से बुरा, वर्स से बुरा रिजल्ट दे रही थी जियोग्राफी के टेस्ट में, और उसकी जो मदर है वो उसे दुखी होकर, मतलब दुखी हो जाती है उसके टेस्ट के परफॉर्मेंस को देखकर कि उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, जियोग्राफी में अच्छा टेस्ट नहीं दे रही, इसी वजह से वह उसके जो कंप्यूटर है उसको, मैकेनिकल टीचर को जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज देती है उसे सही करने के लिए। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, और जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो एक
गोल मटोल छोटा सा व्यक्ति है विद ए रेड फेस, उसका चेहरा बिल्कुल लाल है, एंड ए वाइट बोल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और अपने साथ डायल्स और वायर्स, तारों का वायर्स का एक पूरा बॉक्स साथ में लेकर रखता है। ही स्माइल्ड एट मैरी, वह मैरी पर की तरफ मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक एप्पल भी देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो उसे टीचर को ले जाता है, उसके टीचर को यानी उसके मैकेनिकल टीचर को, उसके इंस्ट्रूमेंट को, उसके उस कंप्यूटर को वो अपने साथ ले जाता है। मारी हैड होप्ड, मारी ने ऐसी उम्मीद की थी, ऐसा सोचा था कि शायद ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट ऑल टुगेदर अगेन, कि अब वो हम दोनों साथ कब हो पाएंगे, यानी वो मैकेनिकल टीचर और यानी वो कंप्यूटर स्क्रीन, वो कंप्यूटर मेरे पास कब हो, हम दोनों एक कब हो पाएंगे, वो मेरे पास कब आएगा, वो ऐसा उम्मीद उसने की थी। बट सी न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो ये जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड आफ्टर एन आवर और सो, यानी एक घंटे बाद ही सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी वो मैकेनिकल काउंट इंस्पेक्टर है जिसके पास उसकी मदर ने उस मैकेनिकल टीचर को या उस कंप्यूटर स्क्रीन को, कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए भेजा था, वो एक घंटे बाद ही उसे ठीक करके ले आता है। एंड देयर इट वॉज अगेन एंड लार्ज ब्लैक एंड अगली, यानी बड़ा सा ब्लैक सा अगली सा, क्यों, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था और वो उसे टेस्ट पर टेस्ट लेता था और वो काफ़ी बोरिंग लगता था उसको, मैरी को। विद ए ब्रिग स्क्रीन ऑन ऑल ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, उस पर सारे लेसन्स लिखे जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। That wasn't so bad. शायद वो इतना बुरा नहीं था। The part Mary hated most was the slot where she had to put homework and test papers. यानी एक ऐसा मेरी जिस पार्ट से उस मैकेनिकल टीचर के जिस पार्ट से हेट करती थी, वो था एक ऐसा स्पेस स्लॉट, यानी एक ऐसा स्पेस था उसमें, एक ऐसी जगह थी, टाइम या पोजिशन था जहाँ जो कि उसे होमवर्क व टेस्ट पेपर दिया करता था, उससे वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, वह हमेशा उन्हें पंच कोड में लिखा करती थी। द मेड हर लर्न व्हेन सी वो सिक्स ईयर्स ओल्ड, और जब वो छः वर्ष की थी, सिक्स ईयर्स ओल्ड थी, तब से उन्हें सीख रही थी। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर है वो बिना टाइम के ही मार्क्स को टेस्ट देते ही काउंट करके रिजल्ट दे दिया करता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और county inspector ने अपना काम कर दिया था, उसे सही कर दिया था, और उसके बाद complete करने के बाद उसने वो जो mechanical teacher था उसे दे दिया था मैरी को, और मैरी के सर को उसने patted यानी थपथपाया। He said to her mother, उसने उसकी मदर से कहा, it is not the little girl's fault. यानी इसमें मिसेज जॉन्स, यानी जो मैरी की मदर है उसका नाम क्या है, मिसेज जॉन्स है, मिसेज जॉन्स, ये इस बच्चे की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, यानी जियोग्राफी सेक्टर जो है इस कंप्यूटर स्क्रीन का, इस मैकेनिकल टीचर का, उसमें कुछ गड़बड़ी है थोड़ी सी, उसे सही कर देना चाहिए। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी। आई हैव सोन इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसे इसके लेवल को, इसके क्वेश्चन पूछने के लेवल को, इस मैकेनिकल टीचर के क्वेश्चन पूछने के लेवल को मैंने 10 ईयर्स 11 ईयर्स के अकॉर्डिंग कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में रियल में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी पूरा जो पैटर्न है उसकी प्रोग्रेस का, वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री था मेरी का। एंड ही पेटेड मैरीज हेड अगेन, और उसने मैरी के हेड को दोबारा थपथपाया। मैरी वॉज डिसअपॉइंटेड, मैरी उदास हो गई थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वह खुश थी कि ये जो मैकेनिकल टीचर है वो, यानी जो काउंटी इंस्पेक्टर है, इस टीचर को, इस स्क्रीन को, कंप्यूटर स्क्रीन को, इस सिस्टम को अपने साथ ले जाएगा और जो है कई दिनों तक अपने साथ रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। द हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, और वो ऐसी उम्मीद करती है कि एक बार टॉमी का जो कंप्यूटर स्क्रीन था, टीचर जो था, उसको वो अपने साथ ले गया था, एक महीने बाद फिर लाया था, तो शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था उस कंप्यूटर का स्क्रीन का, वो ख़राब हो चुका था टोटली।
सो सी सैड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, हर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है। टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी जो कि 13 ईयर्स ओल्ड था वह सुप्रीम आईज के साथ, यानी थोड़ा अपने आप को सुप्रीम दिखाते हुए उसकी तरफ देखता है, कहता है बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये स्कूल हमारे जैसे नहीं है, जैसे कि हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं पहले, ये जो बुक है इसमें हम जैसे स्कूल के बारे में नहीं लिखा गया है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने समय की स्कूल है, दैट जब दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जैसे 100 साल पहले जो स्कूल थी उसकी तरह, ही एडेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली सेंचुरीज एगो, वह बिल्कुल सुपीरियर वे में प्रोनाउंस करता है वर्ड की ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक, सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बुरा लगता है, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि हजारों साल पहले, कितने मैंने कई सालों पहले कैसी स्कूल रही होगी, विच टाइप की रही होगी। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए वाइल, वह बुक को पढ़ती है थोड़े समय, देन सेड, फिर कहती है एनी वे दे हैड ए टीचर, उनके पास कम से कम एक टीचर तो था, दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन, उन लोगों के पास एक टीचर होता था और वो एक मैन ह्यूमन बींग होता था। श्योर दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, वो एक रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज ए मैन, वो एक मैन था, ह्यूमन बींग था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक मैन कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उन बॉयज व गर्ल्स को बात बताता है, पढ़ाता है, फिर उन्हें होमवर्क देता है और फिर उनसे क्वेश्चंस पूछता है। ए मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक मैन इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, ये बात मैरी टॉमी से कहती है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, हाँ ऐसा होता था, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो जानते हैं कि वो भी मेरे टीचर हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच ए बैटचा, और फिर वो उसे कहते हैं कि आई एम श्योर कि ऐसा था, मार्गी बैटचा यानी आई एम श्योर, मुझे विश्वास है। मैरी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मैरी जो है इस चीज़ पर डिस्प्यूट नहीं करना, डिस्प्यूट यानी किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती, बहसबाजी नहीं करना चाहती। सी सैड वह कहती है आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, तो वो कहती है टॉमी से मैरी कि मैं नहीं जान चाहती कि कोई एक स्ट्रेंज मैन, कि एक अजनबी, एक अजीब व्यक्ति मेरे घर में आए मुझे पढ़ाने को। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी है हंसता है और चीखता है यू डोंट नो मच मैरी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मेरी, द टीचर्स डिडंट लीव इन द हाउस, जो टीचर्स होते हैं वो घरों में नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स के, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चों को एक जैसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो एक जैसी उम्र के ही एज के ही होते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच मैन एंड गर्ल इट टीचेस, लेकिन मेरी मदर कहती है कि एक टीचर जो होती है उसे अपने माइंड को सेट करना पड़ता है ईच बॉय और गर्ल के लिए जो जिसे कि उन्हें पढ़ाना होता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, कि हर बच्चे को ढंग अलग से पढ़ाया जाता है, जस्ट द सेम दैट डिडंट डू इट दैट वे देन, शायद ऐसा नहीं होगा जब उन्होंने इस तरीके से पढ़ाया होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है तो तुम इस बुक को नहीं पढ़ो। आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस बुक को, ये पेपर वाली बुक मुझे पसंद नहीं है। मैरी सेड क्विकली, मैरी तुरंत कहता है सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी बुक्स, वह पढ़ना चाहती है इन फनी बुक्स के बारे में। द वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मैरीज मदर कॉल्ड मैरी स्कूल, और वह आधा भी उस बुक को नहीं पढ़ती है मैरी, इतने में ही उसकी मदर आवाज़ देती है मैरी तुम्हारी स्कूल। मैरी लुक्ड अप, मैरी ऊपर की तरफ देखती है, नॉट येट, अभी नहीं मम्मा, नाउ अब सैड मिसेस जॉन, मिसेस श्रीमती जॉन कहती हैं, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, ये टॉमी का भी टाइम
हो गया है पढ़ने का, मेरी सेरोटोमी मेरी सोनोटोमी से कहती है कैन आई रीड द सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ सकती हूँ मे बी। तो जो है टोमी है वो उसे जवाब देता है हाँ पढ़ सकती हो, अननोन साइलेंटली यानी बिना इच्छा के, बिना किसी प्रकार की इच्छा के ना होते हुए भी टोमी उससे कहता है मेरी को हाँ तुम मेरे साथ स्कूल के बाद इस बुक को बैठकर पढ़ लेना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, फिर वो चलता है दूर तक विस्लिंग करता हुआ, एंड द डस्की ओल्ड बुक ट्रक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी हाथों में अपनी भुजा के नीचे उस बुक को दबा करके वो चल रहा होता है और विस्लिंग विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए चलता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, वेंट मार्गी जो है वो स्कूल के रूम में चली जाती है, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो उसकी स्कूल है वो कहाँ है, उसका जो बेडरूम है उसके पास वाला जस्ट जो रूम है वही उसका स्कूल रूम है क्योंकि वहीं पे स्क्रीन लगा हुआ है, पूरा सिस्टम सेटअप है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन था, स्क्रीन पे चल रही थी और उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे व संडे के अलावा हमेशा उसका मैकेनिकल टीचर अपनी स्क्रीन पर होता है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स, क्योंकि उसकी मदर ऐसा मानती है कि छोटे छोटे जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा, लिटिल गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा बेटर सीख सकती हैं यदि वो रेगुलर हावर्स रेगुलर पढ़ें, रेगुलर याद करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चालू हो जाती है एंड इट सैड, और वो कहती है स्क्रीन टूडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, proper जो fraction है, math की class चल रही है, proper fraction का जो addition है वो आज हम पढ़ेंगे। Please insert yesterday's homework in the proper slot, proper जो slot है उसमें कल का जो homework था उसे डाल दो। Margie did so with a sigh, Margie जो है वो एक sigh यानी आहट के साथ ऐसा करती है। She was thinking about the old schools they had when हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर वॉज ए लिटिल बॉय, वह सोच रही होती है उन पुराने स्कूल्स के बारे में जिनमें ह्यूमन बींग्स टीचर हुआ करते थे और उनके जो ग्रैंड फादर हैं, उनके जो ग्रैंड फादर है वो एक बच्चे थे, छोटे लिटिल बॉय थे, वो स्कूल में पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, यानी पड़ोस के सभी बच्चे आया करते थे, वो हंसते थे, लाफिंग करते थे, शाउटिंग चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन हुआ करता था, जो बिल्डिंग का जो स्कूल यार्ड हुआ करता था उसमें, सिटिंग टुगेदर इन ए स्कूल रूम, वो एक स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और फिर वो जब 7-8 घंटे स्कूल में रहने के बाद वो घर जाया करते थे साथ साथ में, ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं मैरी के माइंड में। द लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी ही चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प भी कर पाते थे विद द होमवर्क एंड द टॉक अबाउट इट, वो होमवर्क भी साथ साथ करते थे और एक दूसरे से बातें भी किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो वुमन बींग्स हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो था वो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करता है। वैन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4, यानी इस तरीके का फ्रैक्शन उसके स्क्रीन के ऊपर आता है मैथ की क्लास में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोचती हैं कि पुराने समय में कैसे जो बच्चे हैं वो लव किया करते थे, कितना अटैचमेंट उनमें हुआ करता था। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी उस फन के बारे में, उस एन्जॉयमेंट के बारे में जो कि पुराने समय में जब ह्यूमन बींग्स टीचर हुआ करता था, आज के समय जो पढ़ाई चल रही है स्कूलों में उनकी तरह जो टीचर हुआ करते थे, उन सब के बारे में वो सोच रही थी कि कितना मज़ा, कितना फन, कितना एंजॉय वो बच्चे करते होंगे जो कि ह्यूमन बींग्स वाली क्लासेस में पढ़ते होंगे। इस तरीके से ये जो चैप्टर है जिसका टाइटल है द फन दे हैड, इसीलिए रखा गया है, मज़ा जो कि उन्होंने किया, कौन सा मज़ा, कौन सा एंजॉय जो कि पुराने समय में टीचर्स किया, सॉरी बच्चे किया करते थे, किड्स किया करते थे, वो सारा मज़ा या वो फन। इसलिए ये चैप्टर जो है ह्यूमन बींग्स एज ए टीचर पढ़ाता है क्लास में उसके ऊपर, और जो कंप्यूटर स्क्रीन जो कि फ्यूचर में जो हमारे स्कूल्स होंगे उन दोनों में कंपेरिजन किया गया है। ठीक है, तो ये जो बुक है वो कितने, यानी इस साल में, हाल की यानी फ्यूचर टाइम ये है, और जो मतलब कंपेरिजन जिससे किया जाता है वो प्रेजेंट टाइम है, और जो फ्यूचर वाले जो स्टूडेंट्स हैं यानी मैरी और टॉमी जो हैं वो किसके याद कर रहे हैं,
फ्यूचर स्कूल और प्रेजेंट टाइम को याद कर रहे हैं और फन कर रहे हैं कि कितना फन कितना एंजॉय वो बच्चे करते होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।